This is the rainy season and many patients complain about the arthritis, sciatica and gout and severe knee joint pain and multiple joint pain is there with the swelling. हमारे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको arthritis, sciatica, gout हो जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है और ऐसे पेशेंट को सीवियर एनी जॉइंट पेन रहता है, मल्टीपल जॉइंट पेन हो जाता है और ऐसे पेशेंट्स को बहुत सारे स्टेरॉइड्स या पेन किलर्स या मल्टीविटामिन्स या कैल्शियम ऐसे खा कर आते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन लेकर आते हैं, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म में नहीं लेना चाहिए क्योंकि इससे किडनी लीवर पे असर होना शुरू हो जाता है जिससे कि आपको बाद में बहुत ज़्यादा मल्टीपल डिसीजेस होने की शक्यता होते हैं, किडनी लीवर फेल होने की शक्यता रहती है, डिप्रेशन की शक्यता रहती है। इसे आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं और इसमें इंस्टेंट पेन रिलीफ के लिए पंचकर्मा ट्रीटमेंट दिया जाता है। नस्यम से आप इंस्टेंट पेन रिलीफ हो जाता है विद इन 12, 24 और 48 आवर्स में पेशेंट्स को पेन रिलीफ होना शुरू हो जाता है। दूसरे या तीसरे दिन तो कंप्लीट पेन रिलीफ कर देते हैं और आर्थराइटिस हाइपोकैल्शियमिया में हम बस्ती करवाते हैं एनिमा से हंसेरन के बाद वो मेडिकेटेड काऊ मिल्क और घी ऑयल्स और काढ़े से बनी जाती हैं। ऐसे सब पेशेंट्स को बस्ती दे के आप आर्थराइटिस गाउट को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं।